हेलो एवरीवन आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी तो चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कोर्स बीएड एंड कोर्स टाइटल स्कूल मैनेजमेंट जिसका हमने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट अपलोड किया है एंड सेकेंड यूनिट का ये लास्ट सब यूनिट है दैट इज़ हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन क्वालिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस इसमें सिंपली क्या हमें पढ़ना है कि जो इंस्टीट्यूशन चाहे स्कूल हो कॉलेज हो वहाँ के हेड के बारे में हमें पढ़ना है और एक स्कूल के हेड की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए रेस्पांसिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए और फंक्शंस क्या या काम या टास्क वो क्या करता है या उसके अंदर ख़ासियत क्या है उसकी क्या ज़िम्मेवारी है ये हम एक हेड के इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हेड के इंस्टीट्यूशन में सिंपली प्रिंसिपल वग़ैरह जो होते हैं या हेड मास्टर्स वो इसमें आते हैं तो आगे जाके इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम देखते हैं हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन हम किसको बोलेंगे द हेड ऑफ़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एंड रेफर टू एज प्रिंसिपल हेडमास द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है इनको हम बोल सकते हैं हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जिसमें प्रिंसिपलता हैड मास्टर आता है या स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर आता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या क्रूशल रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग द एजुकेशनल इन्वामेंट ठीक है या इंश्योर करते हैं कि इंस्टीट्यूशन की सक्सेस हो इंस्टीट्यूशन की कामयाबी हो ठीक है यहाँ के जो बच्चे कल को फील्ड्स में आए तो वो कुछ अच्छा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें और आगे जाके कोई साइंटिस्ट कोई टीचर कोई इंजीनियर कोई डॉक्टर बने ऐसी क्वालिटी वाली उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ये इन्श्योर करते हैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन तो खासियत क्या होनी चाहिए एक इंसान में जो आगे जाके हेड मास्टर या प्रिंसिपल बन सकता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का वो हम देखते हैं पहले ही उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए ठीक है वो सबको लीड कर पाए सबको अपने साथ ले चले सबको गाइड कर पाए ऐसी क्वालिटीज़ एक इंसान में होनी चाहिए तभी वो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन बन सकते हैं उनको क्या होना चाहिए क्लियर विजन वो सेट कर पानी चाहिए ठीक मतलब कि फ्यूचर में हमें क्या करना है बच्चों के साथ अच्छा क्या रहेगा गाइड कर पाने चाहिए वह ऐसे इंसान स्ट्रांग डिसीजन उनको आना मतलब कि बनाना आना चाहिए कोई भी स्ट्रांग डिसीजन अगर लेना हो तो उनको लेना आना चाहिए फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज मतलब कि कोई कल को कोई हिंड्रेंस आती है या प्रॉब्लम होती है तो उनके अंदर ऐसी खासियत होनी चाहिए कि वो अच्छे से डिसीजन ले पाए उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए मतलब कि वो अपने थॉट्स या आइडियाज़ शेयर कर पाए और टीचर uh, या स्टूडेंट के थॉट्स या आइडियाज़ या कोई भी इंक्वायरी उसको सुन पाए और प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाए ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक इंस्टीट्यूशन के हेड के अंदर ठीक है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए उनके अंदर मीन्स कि वो प्रॉपरली हर कोई कोई चाहे इवेंट हो फंक्शन हो उसको अच्छे से प्लान कर पाए और ऑर्गेनाइज कर पाए ताकि स्कूल के फंक्शन या ऑपरेशन स्मूथली रन कर पाए ऐसे उनमें ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए और टाइम उनको मैनेज करना आना चाहिए मतलब कि अगर उनको डिफरेंट आ, सिंपल सी बात है ईज़ी समझना है कि प्रिंसिपल और हेड मास्टर के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं दिन में उनको बहुत सारे टास्क करने होते हैं तो उनको ऐसा टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि वो हर कोई टाइम हर कोई काम अपने टाइम में और प्रॉपरली कर पाए विदाउट एनी हिंड्रेंस एम्पेथी होनी चाहिए उनके अंदर और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो बच्चों को स्टूडेंट्स को या स्टाफ मेंबर्स को अच्छे से समझ पाए उनका सुन पाए और उनके लिए एम्पेथी रखे मतलब कि उनकी सुने और उनके लिए कुछ करे उनके लिए अच्छा कुछ करे पॉजिटिव अप्रोच में और उनको समझे कोई अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो उनमें एक खासियत होनी चाहिए और स्ट्रांग कोलाबोरेशन टीम बनाना आना चाहिए मतलब ये नहीं कि मैं प्रिंसिपल हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ नहीं हर किसी की सुननी अगर वो उन, उनके अंदर कोई प्लान है वो सोचें कि मैं ऐसा करूंगा तो उनको हर किसी को बताना है चाहे स्टूडेंट हो टीचर हो कोई स्टाफ मेम्बर हो कम्यूनिटी का मेम्बर हो उनको प्रॉपरली इन्फॉर्म करके ही वो जो है डिसीजन लेना है एक टीम की तरह वर्क करना है हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उनमें वो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए ठीक है और उनको आना चाहिए मतलब कि बच्चों का ट्रस्ट गेन करना उनके अंदर वो वैसी क्वालिटी होनी चाहिए यानी कि डाउटफुल हो वो या बच्चे उनको भरोसा उन पर uh, मतलब कि कोई उन पर भरोसा ही नहीं करना कर पाए उन वो ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए ताकि उनको कोई अगर कुछ भी बोले तो ट्रस्ट करने के लायक हो वो फ्लेक्जिबिलिटी होनी चाहिए उनके अंदर मीन्स कि अगर कोई भी एजुकेशनल फील्ड में कोई ट्रेंड आ रहा है तो वो उसको अडाप्ट कर पाने चाहिए मतलब कि कोई भी चैलेंजेस या ट्रेंड्स आ रहे हैं वो उनको अडाप्ट कर, कर पाए ऐसी उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उनके इंस्टीट्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम आ, आ रही है अगर तो वो उनक, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने चाहिए ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए उनके अंदर तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ऐसे इंसान की चाहे प्रिंसिपल हो हेड मास्टर हो पहले तो उनको आ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या जिम्मेवारी है उनको करिकुलम डेवलप करना है ठीक है जिसमें सिंपली हम बोल सकते हैं सिलेबस आता है जिसमें करिकुलम एक्टिविटीज़ है पढ़ाई के रिलेटेड सिलेबस वगैरह हो या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो वो सारा उनको डेवलप करना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है मीन्स के बच्चों को पढ़ाना है बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग जो है ग्रो कराना है तो ऐसे मतलब कि लागू कराना है फिर इसको इस करिकुलम को जो उन्होंने डेवलप किया इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन उनको सुपरवाइज भी करना है इंश्योर करना है कि टीचिंग और लर्निंग अच्छे से हो रही है टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं और बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं वो उनको इंश्योर कराना है एडमिनिस्ट्रेशन पहले जो भी गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास किया या पॉलिसी पास की तो उसको स्कूल में लागू कराना है ठीक है स्टाफ को मैनेज करना है उनको अच्छे से अच्छे टीचर्स हायर करने हैं और उनको टाइम टू टाइम ट्रेन भी करना है ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए स्टूडेंट अफेयर बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रख के कोई भी डिसीजन लेना है हर किसी को साथ लेके चलना है चाहे फॉर एबल स्टूडेंट्स हो या डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हो जिनमें कोई प्रॉब्लम हो उनको भी साथ लेके चलना है सपोर्टिव इन्वायरमेंट उनके लिए प्रोवाइड कराना है ऐसे नहीं है कि अनसेफ इन्वायरमेंट उनके लिए प्रोवाइड कराना है ठीक है कॉम्प्लेंसेज और पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है जैसे पहले भी मैंने बोला गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई रूल बनाई उनको प्रॉपरली लागू करना है स्कूल में उस आ, कोई भी रूल के खिलाफ नहीं जाना है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अब आते हैं कि फंक्शंस क्या रहेंगे कोई कोई भी टास्क या आ, क्या उनको करना है ठीक है फंक्शंस लीडरशिप पहले ही करना है चेयरिंग कोई भी मीटिंग अगर उनको से, मतलब करानी है तो उस चीज़ को लीड करना है मीटिंग करानी है टाइम टू टाइम चाहे फिर वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो या फिर आ, कम्युनिटी के साथ कोई मीटिंग हो वो उनको करानी है इंस्टीट्यूशन को अगर कहीं पे एक्सटर्नल अफेयर्स में रिप्रेजेंट कराना है तो वो उनका एक प्रिंसिपल या इंस्टीट्यूशन के हेड का काम है जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा है डिफरेंट स्कूल्स का तो उनको वहां पर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना है कोई भी अगर फंक्शन हो रहा है तो वहाँ पर स्कूल को रिप्रेजेंट करना कराना किसका काम है इंस्टीट्यूट नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कूल के फाइनेंस को भी ध्यान में रख के एक प्रिंसिपल को जो है फंक्शन करना है ठीक है जिसमें उनको प्रिपेयर या मैनेज करना है इंस्टीट्यूशन बजट को और फंडिंग को भी सिक्योर करना है ताकि प्रेजेंट के लिए भी वो यूज कर पाए और फ्यूचर के लिए भी बिल्डिंग रिलेशनशिप विध पेरेंट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स रिलेशनशिप अच्छे से बनाना है चाहे फिर वो पेरेंट्स के साथ हो या वहाँ के कम्युनिटी के लीडर्स के साथ ठीक है प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन इमेज इमेज प्रॉपरली अच्छे से इंस्टीट्यूशन की रहे कहीं पे कोई भी नेगेटिव इमेज स्प्रेड ना हो तो वो ऐसे इनको प्रमोट करना है ठीक है लीडिंग थ्रू इमरजेंसीज एंड क्राइसिस अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई इमरजेंसी आ रही है अनफॉर्चुनेट इवेंट हो रहा है तो उस टाइम एक प्रिंसिपल को लीड करना है ना कि पीछे छुप जाना है ठीक है ना कि छुप जाना है और प्रॉब्लम को बढ़ने देना है ऐसा नहीं करना है उनको लीड करना है मॉनिटर टाइम टू तो टाइम करना है और बच्चों को असेस करना है कि बच्चों को एग्ज़ाम्स उनके कंडक्ट कराने क्लास टेस्ट टाइम टू तो टाइम कंडक्ट कराने हैं ताकि वो देख पाए कि इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे करें आगे जाके हम ग्रो कैसे करें वो उनका डिसीजन होता है पॉलिसीज़ डिफरेंट स्कूल में कोई रूल अगर उनको सेट करना है कि स्कूल्स में ऐसे डिसिप्लिन रूल है तो वो उनको सेट वही करते हैं तो ये थे कुछ फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ ऑफ हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करके जाइए आप सब्सक्राइब नहीं करते पढ़ के शायद आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करें आपको फ्यूचर में हेल्प हो सकती है एंड कमेंट करें पॉजिटिव वे में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट किस कोर्स टाइटल पे टॉपिक्स चाहते हैं तो चलिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स